सो हेलो एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू मिसबा एंड ममाज ब्लॉग। गाइज आज मेरे घर पे आ गए हैं वापस से गेस्ट और मैंने सोचा क्यों ना मैं गेस्ट के लिए आज बनाऊं कुछ स्पेशल, और स्पेशल बनाने के साथ साथ ही आपको क्यों ना मैं शेयर करूं एक स्पेशल रेसिपी। तो मैं आज बनाने जा रही हूं मलाई सीख कबाब, और मतलब ग्रेवी में और साथ में नान और चावल, और ये मैं करूंगी आपसे शेयर। तो स्टे ट्यून और रेसिपी ज़रूर देखना, और वाकई लोग मतलब उंगलियां खा जाएंगे गाइज आज तो। और गाइज जब जब मैं रेसिपी बनाती हूँ यकीन मानिए मेरा मन ज़्यादा होता है इसीलिए बनाती हूँ, नहीं तो मैं मन ना हो तो फिर कुछ भी बना देती हूँ। तो आज मेरा मन है सी कबाब खाने का, तो चलिए गाइज फटाफट चलते हैं और तैयारी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइज हमने ले लिया है 1/2 kg चिकन, और चिकन का मसाला भी सब रेडी कर दिया है। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नींबू, और नींबू के बीज निकाल लीजिए गाइज। और फिर इसमें डालेंगे हम 1/2 lemon अच्छे से, और लेमन डालने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं सब मसाले, और मसालों में इंक्लूडेड है गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, ये गरम मसाला 1 teaspoon, ज़ीरा पाउडर 1 teaspoon ऑलमोस्ट, वाइट और ब्लैक पेपर आप अपने हिसाब से लीजिए, और धनिया पाउडर, और ये अक्खी हरी मिर्ची, और ये सब हम डाल देंगे, और साथ में हरी मिर्ची भी डाल देंगे, और साथ में डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मत भूलिएगा कि इसमें हमें डालना है कूटी हुई लाल मिर्ची, चिली फ्लेक्स जो मेरे पास नहीं था तो मैंने पीस लिया है, और अब ये बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और इसमें हम डालेंगे 1 onion, और अदरक लहसुन लगाकर इसको मैरिनेट करके 1/2 hour के लिए रख देंगे और फिर आपको मिलेंगे। तो गाइज ये इसमें एक ब्रेड डाल दिया है, 1/2 hour हो चुका था, तो अभी इसको मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर देंगे, और ये ग्राइंड करने के बाद इसका फाइन पेस्ट बनाकर फिर आपको आगे स्टेप बताते हैं। और ये चिकन मतलब जो 1/2 hour मैरिनेट करने के बाद इसको आपको एक ब्रेड का स्लाइस डालकर 1/2 kg में डालकर ग्राइंड कर देना है। तो गाइज इसमें भी हम लोग डालेंगे थोड़ा कटा हुआ धनिया और पुदीना, और ये धनिया पुदीना जा चुका है, अच्छे से डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन भी पीस कर रेडी हो चुका है, देख लीजिए गाइज इतना बेहतरीन लग रहा है, खुशबू तो अभी से बहुत अच्छी आ रही है। और इसको मिक्स करने के बाद गाइज आपके घर पे ऐसी पाइप होगी तो वो पाइप ले लीजिए, नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है, और थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाना है अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो। और फिर इसको इसमें अच्छे से लगा देंगे, ये पाइप बहुत छोटी है गाइज, थोड़ी बड़ी पाइप आप लोग प्रिफर करना, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से सीख बना बना कर आपको रखनी है। गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ, और आते साथ जो मुझे खुशखबरी मिली है, मतलब खुशखबरी गलत मत समझना गाइस, खुशखबरी ये मिली कि मुझे खाने के लिए आज सीख मिलने वाली है, और मुझे इसकी रेसिपी बन रही है। यस ये वाह, मुझे मजेदार रेसिपी बन रही है, पार्ट ऑफ जोक। ओके गाइस, अपार्ट फ्रॉम जोक तो ओके गाइस, हम लोग ने पैन में रख दिया है सीख, और ये सीख एकदम कैसे हुआ, चिकन की क्या? तो सीख के साथ क्या है आज? सीख नान और चावल, सीख नान और चावल, सीख कोरमा, मतलब सीख नान चावल, वाह। और कोरमा, सीख का कोरमा ही बन रहा है, सीख का कोरमा, तुम देखो तो सही मैं सीख कैसे बना रही हूँ। कैसा बना रहे हो? एक है, ये मेरी वाटर बॉटल का पाइप है, ठीक है, मेरे को मिल गया बड़ा, मेरे को तभी बड़ा वाला नहीं मिल रहा था तो छोटे पर ही बनाना पड़ा था। और ये रही सीख कबाब, वो हो। तो गाइस ये हमारा छोटा सा व्लॉग है, ये देख सकते हैं, मजा आ रही है, वाओ मजा आ रही है, देखने में मजा आ रही है ना, वाओ। तो गाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा नया छोटा सा ब्लॉग, और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके, क्या बोलते हैं ना वो छोटा सा ब्लॉग, एक रील चल रहा है, क्या बोलते हैं, मैं एक स्टोरी सुनाती हूं, हाँ। एक रील चल रही है, हाँ। ये मैं हूँ, हाँ। और ये मेरे पति है, हाँ। और हम जीते हैं साधारण आम जिंदगी, हाँ। एक एक साल निकल जाते हैं, हमारे पति हमको कहीं घुमाने नहीं ले जाते, हाँ। ना वो हमारी फरमाइश पूरी करते और हम गधे की तरह उनकी फरमाइश पूरी करते, हाँ। रहते हैं। और ये मैंने बनाए सीख कबाब, नहीं नहीं तो आगे आगे फरमाइश, मैंने इनकी
फरमाइश करनी थी पूरी, तो मैंने बनाया सीख कबाब और यही है हमारी आम जिंदगी और हमने कंघी साज बाल नहीं बहाए। ओके तो गाइज ये है हमारी आम जिंदगी और ये है हमारी सीख जिंदगी। तो खाने में बहुत पेट पकड़ के हंसी किया, बहुत गंदा दिखा। तो गाइस मैं कुछ भी करता हूँ इस बार वो गंदा लगता था, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट। और गाइस ये भी बता देती हूँ कि मैं हूँ और ये मेरे पति है और हम दोनों का होता है रोज झगड़ा। तो गाइस पति और पत्नी में किसका झगड़ा नहीं होता है, जिस पति या पत्नी में झगड़ा नहीं होता है तो वो पति पत्नी है ही नहीं। और मेरे पति जो है वो दिन रात का डेटा भरता हो, मेरा ये नहीं हुआ मेरा वो नहीं हुआ, हर चीज करने के बाद भी शुक्र मनाना चाहिए कि पत्नी मेरी तरह मिली है जो नखरे उठा रही है। और ये तुम्हारे नखरे यहाँ जल जाएंगे? नहीं जलेंगे, जल रहे हैं, नहीं जल रहे हैं, पक रहे हैं, देख लो बड़ा जल रहे हैं। वाव मस्त लग रहा है खाने में, तो बहुत मजा आने वाला है मिस्बा। हाँ बिल्कुल, आज तो मैं बाइसेप्स मार के आया हूँ, तो आज बाइसेप्स मारे तो मेरा प्रोटीन इंटेक, हाँ प्रोटीन इंटेक मेरा हो जाएगा। तो गाइस सीख कबाब बनते रहेगा, चलो चलते हैं थोड़ा सा मूवी देखते हैं और टाइम पास करते हैं। और गाइस को मैं बता देती हूँ गाइस इसको ऐसे शैलो फ्राई करना है, शैलो फ्राई, हाँ ऐसा आपको ऑयल में डालना है, इसको शैलो फ्राई करना है। चटका लग गया, वेरी नाइस, आई लाइक इट। मैं ही अकेले चटका खाऊं भाई, तुम भी खाओ। बहुत कस के लग गया, लगना ही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मजाक की बात भी नहीं है, मेरे को तो हर रोज अलग 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 जगह लगता, अभी लगा है चार पांच, कौन सी बड़ी बात है, मैं करने की क्या बात है। तो गाइस इससे लग गया चटका, मैं दो ज्यादा खाऊंगा, दस ज्यादा खाओ भाई, सब तुम ही खा लो, दूसरों को दो ही मत। गाइस जब तक यहाँ पर सीख कबाब मेरे हो रहे हैं, यहाँ पर रख दिया मैंने छोटा पैन, उसमें मैं फ्राई करूँगी एक बड़ा कांदा या दो कांदे और 10-12 काजू और हरी मिर्ची, ये सब फ्राई करके हल्का तेल में वो सौंपे करके उसको निकाल लेंगे और पीस लेंगे। और गाइस इसके लिए हम कम ग्रेवी यूजुअली बनाते हैं, लेकिन क्योंकि लोग ज़्यादा है तो मैं ग्रेवी ज़्यादा रखूँगी, कोरमा जैसे बनाऊँगी, मलाई कोरमा जैसे, तो हम इसको नाम देते हैं मलाई सीख कोरमा। तो फटाफट चलते हैं गाइस, रेडी करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। ये है उसमें मैं डाल दूंगी ये मेरा पेस्ट जो मैंने पीस लिया था, काजू कांदा और वो वाला, और इसको बस क्लीन करके डालूंगी, इसको अच्छे से पकाऊंगी, इसको अच्छे से भून लेना है। तो गाइस इसको मैं अच्छे से पका लूंगी काजू और कांदे के पेस्ट को और फिर आपको मिलेंगे। तो गाइज इसमें मैंने थोड़ा पानी भी डाल दिया है और ताकि मेरे काजू ना लगे, और अब जितना ग्रेवी चाहे आप उतना बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से मैं पहले सौते कर लेती हूँ और फिर इसमें पानी की और ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर डालेंगे। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अमूल बटर, और बटर आप एकदम अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए क्योंकि फिर खारा ना हो जाए। तो अभी हम लोग इतना डाल रहे हैं अमूल बटर, गुड, तो इतना अमूल बटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए फिर आपको बताते हैं। तो गाइस काजू और कांदे का पेस्ट हो चुका है, काजू और कांदे ये खोल के क्यों रखी बाबा, हाँ मसाले निकाल लग गया ना टकले पे, बाहर पे जब जब अंदर आ रहा कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। तो गाइस ये बन गया है काजू और कांदे का पेस्ट रेडी है, काजू और कांदे का पेस्ट, और इसके अंदर जा रहा है थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर डालने के बाद वही मसाला जो हमने कबाब में डाला था, थोड़ा सा व्हाइट पेपर, व्हाइट ज्यादा चलेगा, निकाल दे निकाल दे निकाल दे, ज्यादा नहीं है, निकाल दे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, यस, और ये क्या है, चावल लड्डे, और थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला एकदम थोड़ा सा डालेंगे अभी, क्यों गरम मसाला उसमें है ना इसके लिए। और इतने मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी दही, क्या लग रहा है, उम्दा उम्दा, हाँ, और इसमें मैं डालूंगी दही, और ये दही दही कम है थोड़ा, और दही चाहिए रहेगी तो मंगाओ। तो भाई अच्छे से इसमें दही डाल दूंगी, दही में गटले ना बन जाए इसके लिए इसको हिलाते रहिए अच्छे से, तो गुस्से से देख ले वैसी पिघल जाएगा, सॉरी प्यार से देख ले वैसी पिघल जाएगा। बिल्कुल मेरे ऐसा इंसान पिघल सकता है तो दही है। तो और एक चम्मच दही, अच्छा दही अच्छा डालना है हमें इसमें, क्यों खट्टापन रहना चाहिए, खट्टी दही नहीं है, खट्टी दही नहीं ली मैंने, नॉर्मल दही लियो,
आमूल दही खट्टी नहीं होती। ये किसने कह दिया? तो गाइस इसको अच्छे से पहले आप पका लीजिए ताकि सब दही पिघल जाए और ये एक ग्रेवी छोड़ने लगे। फिर जैसे ही ग्रेवी छोड़ेगी फिर आपको मिलती है। गाइस इसमें मनपसंद पानी जितना आपको चाहिए उतना डाल दिया है और डाल दिया है कसूरी मेथी। तब तक यहाँ पर कोयला मैंने गरम करने रख दिया है, चावल भी पक रहे हैं, तो ये एक बार हो जाएगा तो आगे का स्टेप आपको बताती हूँ। गाइस इसमें मैंने डाल दिया है सीख अपना और अब डालूंगी मैं क्रीम। और क्रीम डालने के बाद मैंने इसमें एक चीज डालना भूल गई हूँ, वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, भूल गई तो कोई बात नहीं, लेकिन डालना आप जरूर। अब ये एक बार उबाल आ जाए तो इसमें डालूंगी मैं क्रीम और फिर आपको बताती हूँ। तो गाइज यहाँ पर कोयला मेरा हो चुका है तो कोयला बंद कर देते हैं। छोटी सी कटोरी मैंने बना दिया है और कटोरी में डाल दूंगी मैं कोयला और कोयला डालने के बाद ड्रिजल करूंगी थोड़ा सा ऑयल। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही ऑयल काफ़ी है। और कोयले का दे देंगे हम लोग भाप अच्छे से और फिर आपको मिलते हैं। फाइनली बन चुका है ये। क्या क्या है मिस भाई? ये सीख, मलाई सीख। मलाई सीख बन चुकी है और उसके साथ मिसबा ने बनाई है नान। तो गाइज आपको नान की रेसिपी चाहिए तो प्लीज दे चुके तो शायद। तो गाइज चलो ये बन चुका है और मेरे को बहुत भूख लगी है तो मैं खाने जा रहा हूँ। तो मिसबा मैं अकेले बैठ के हो गया तो नहीं आ रहे हो? अच्छा नान एक एक बनाना पड़ेगा क्योंकि गर्म गर्म खाने बहुत मजा आएगा। तो आप लोग वापस से देख लो, मुँह में पानी आया तो कमेंट करो। तो गाइज अमतुर अभी बताएगी कि कैसा बना है। कैसा बना है अमतुर? हाँ कंफर्म कंफर्म। अभी मुझे चाहिए रेसिपी। रेसिपी तो तुमको यूट्यूब पर ही देखनी पड़ेगी। हाँ देखूंगी, इसकी भी शादी होगी तो ऑर्डर तुमको मिलेगा। यस ओके। नहीं हमको ऑफलाइन रेसिपी चाहिए। ऑफलाइन रेसिपी जैसा कुछ नहीं होता गाइस, जिसको भी रेसिपी चाहिए यूट्यूब पर जाइए। कोई जरूरत नहीं है कागज वागज में, कुछ नहीं लिख के देंगे। तो गाइस चलते हैं फटाफट और रैप अप करते हैं।